हेलो गाइस, आज की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है वही साउथ वेस्ट दिल्ली से। और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये अभी नहीं बता सकता। जब मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे आपको सभी का स्वागत करूँगा वहाँ पे। और अभी हूँ मैं साउथ वेस्ट दिल्ली रजौरी, जहाँ से हम हमेशा जर्नी स्टार्ट करते हैं, मगर आज एयरपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। एयरपोर्ट से कहाँ जा रहा हूँ मैं ये आपको मैं वहीं बताऊँगा जब पहुँच जाऊँगा। और अभी रास्ते में हूँ, शायद 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे पहुँचने में। मेरे घर से जो ये डिस्टेंस है 15-20 मिनट में कवर हो जाता है। और मैं बता दूंगा इस आपको, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, अगर आप दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं यानी राज्य में रहते हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, ऐसी जगह पे रहते हैं, तो आप एक दिन पहले आइए। एक दिन पहले आने का मकसद गाइस ये है कि आगे एक महिपालपुर करके एरिया पड़ेगा, महिपालपुर में आप होटल लेके रह सकते हैं। उससे ये होगा गाइस आपकी फ़्लाइट कभी मिस नहीं होगी, क्योंकि आज जो मौसम है वो बड़ा ही थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा नहीं काफ़ी ख़राब है। तो मेरे को सुबह ये दिक्कत लग रही थी, नर्वस इसीलिए था मैं, कहीं फ़्लाइट मेरी मिस ना हो जाए, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी निकला हूँ अभी घर से। और अभी जो मैं महिपालपुर की बात कर रहा था, उससे ये होगा गाइस आप महिपालपुर जाएंगे तो आपको जल्दी पहुँचने का, यू नो, एयरपोर्ट वहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, हार्डली 15 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। और एयरपोर्ट का जो महिपालपुर के होटल है, वहाँ से अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस भी कवर कर लेंगे एक घंटे में, क्योंकि चार किलोमीटर शायद हार्डली वो वहाँ से होगा। तो आगे की बात मैं आगे बताऊँगा गाइस एयरपोर्ट पहुँचने के बाद, अभी तो रास्ते में हूँ। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं बताता हूँ कि कहाँ से फ़्लाइट पकड़नी है। और मेरी फ़्लाइट जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, टर्मिनल 3 से। और बता दो ये इंटरनेशनल टूर नहीं है, अभी नहीं लगे इंटरनेशनल टूर, बट ये डोमेस्टिक टूर है। बट मेरी जो फ़्लाइट है वो एयर एशिया की है, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। तो मिलते हैं एयरपोर्ट पे। मैं पहुंच चुका हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल की खासियत बता दूं गाइस ये है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था ये यू नो 1980 में, 2 मई 1980 में बना था। और सबसे पहले जो एयरपोर्ट बना था वो सफदरजंग एयरपोर्ट बना था, जिस पे टर्मिनल भी बहुत कम थे और छोटा एयरपोर्ट था। उसके बाद रिकन्स्ट्रक्ट हुआ पालम एयरपोर्ट के बाद उसे भी हटाया नहीं गया गाइस, टर्मिनल 2 जो था वो उसे यू नो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जो मेरे यहाँ ये पीछे देख रहे हैं ये एरिया है चेक इन का, चेक इन इन द सेंस यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, यहाँ पे आप अपना यू नो फोटो आईडी प्रूफ दिखाएंगे, टिकट दिखाएंगे और आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और गाइस मैं बता दूँ, और बाकी जो सिक्योरिटी चेक होगा उसमें कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं वहाँ पे बंद कर दूँगा। तो अंदर चल के मैं बात करता हूँ कि और क्या आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, उस दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई ऐसा कुछ दिखता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर, और चलते हैं अब अंदर की ओर। मैं पहले आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ, और साथ में बता दूँ गाइस अगर आप ये देख रहे हैं ए बी सी डी सेक्शन देख रहे हैं, ये टोटल एल तक है जहाँ तक मैंने देखा है, और हर सेक्शन का अलग अलग मतलब होता है। ए सेक्शन पे कभी आपको मिलेगा एयर इंडिया का सेक्शन, बी पे विस्तारा, सी पे एयर एशिया, तो सारे सबके सेक्शन बने हुए हैं जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, आप वहाँ से बोर्डिंग पास लेके आगे सिक्योरिटी चेक पे बढ़ सकते हैं। गाइस मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट पे, अभी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूं, और एयरपोर्ट का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस हुआ कुछ यूँ, मेरी आज जो फ्लाइट है वो मिस हो चुकी है। मिस यूँ हो गई गाइस क्योंकि एयर एशिया की गलती यूँ है गाइस, क्योंकि एयर एशिया ने मेरे को कोई मैसेज नहीं भेजा फ्लाइट डिले होने का। फ़्लाइट जो कि मेरी 5:45 पे थी,
और जो इनका मैसेज था कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया, और जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो उन्होंने कहा सर आपके पास कोई मैसेज आया होगा। तो मैंने कहा मेरे भाई मैंने कोई मैसेज नहीं देखा और मेरे पास ना ही कोई मैसेज आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपकी फ़्लाइट जो है वो मिस हो चुकी है, अब आपको सुबह की फ़्लाइट मिलेगी। मैंने ठीक है, तो आप सुबह की कर दीजिए। सुबह की फ़्लाइट जो है गाइस वो 5:35 की है, 5:35 से यहाँ से रवाना होगी, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगी। और मैं बता दूँगा गाइस, जब मैं एयर एशिया के काउंटर पे पहुँचा, जो इनका असिस्टेंट था वो काफ़ी अच्छा था, बट एक जो सज्जन थे वहाँ पे, उनका नाम था देवानिक मौलिक, बड़े प्यारे सज्जन हैं। उनका गाइस जो बिहेवियर है फॉर द कस्टमर और जो उनकी आदत है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि उनका जो असिस्टेंट था ना गाइस, आपको मैं बता रहा हूँ 0% ट्रेवल करना पड़ेगा उनके होते हुए, क्योंकि उनका असिस्टेंट जो है वो लाजवाब है। अगर मैं बताऊँ गाइस, अगर आप एयर एशिया से ट्रैवल कर रहे हो और काउंटर पे आ गए हैं एयर एशिया के काउंटर पे, तो गाइस वो जो सज्जन आपको मिलेंगे तो आप भी फील करेंगे हाँ यार इसकी असिस्टेंस काफ़ी अच्छी है। और मैं बता दूँ गाइस, अभी जो मैं निकलूँगा यहाँ से 8 बजे मेरा सिक्योरिटी चेक होगा, 8 बजे सिक्योरिटी चेक होके अंदर जाऊँगा मैं, 12 बजे तक या यानी 5 बजे तक, 5 बजे तक मुझे वहीं बैठे रहना पड़ेगा, या सोना ही कहीं जगह होगी तो सो जाऊँगा। और 5 बजे फ़्लाइट उड़ेगी, फिर पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, और क्या क्या होगा आगे वो मैं सारी चीज़ बता दूंगा। और मैं बता दूंगा जब जहाँ सिक्योरिटी चेक से पहले मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको, और दिख भी नहीं रहा मेरे को कोई खाने पीने की जगह। तो खैर आप अगर आए हैं तो खा के आइए, और मैं हमेशा बोलता हूँ पहले घर से खा के आइए, क्योंकि आपको हो सकता है कई जगहों पर ना मिले कुछ खाने के लिए। अब जब मैं अंदर जाऊँगा 8 बजे, तो अंदर दिखाऊँगा कि कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, क्या क्या खा सकते हैं, कौन से स्टोर्स हैं जिनमें से आप क्या क्या ले सकते हैं। तो आगे मिलेंगे सिक्योरिटी चेक के बाद। तो जैसे कि बात हुई थी हमारी कि जब मैं निकलूँगा यहाँ से, तो चेक इन पॉइंट दिखा दूँगा आपको कि सिक्योरिटी चेक कहाँ पे होता है। और ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ना, ये सिक्योरिटी चेक है, पूरा एरिया देखेंगे सिक्योरिटी चेक है। अब यहाँ से वहाँ से मैंने बोर्डिंग पास ले लिया है, और बोर्डिंग पास से अब मैं निकलूँगा वहाँ की तरफ, चेकिंग काउंटर की तरफ। यहाँ पे जो मेन सिक्योरिटी चेक होते हैं ये पूरा यहीं पे होता है गाइस। तो अंदर चलूँगा, अंदर सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद मैं आगे बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे, और कैमरा बंद करने के बाद फिर जब ऑन होगा फिर मैं बताऊँगा क्या क्या हुआ है। तो गाइस सिंपली आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे वो एक ट्रे में रखवा दिए गए थे, जो दूसरी चीज़ें थी बैग वैग हैंडी बैग वो एक ट्रे में रखवा दिया गया था, बेल्ट निकलवा दी गई थी, टाइट पैंट पहन के जाइए ढीली ना पहन के जाए, ऐसा कुछ दिखता है सिक्योरिटी चेक। चलता हूँ मैं आगे की ओर, मेरे को गेट नंबर दिया है अभी 60, तो काफ़ी आगे मिलेगा गेट नंबर 60। पहले मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले पे कि कहाँ पे है जो मेरे फ़्लाइट है, वो कहाँ पे कौन से गेट पे खड़ी है। ये डिस्प्ले यहीं पे चेक करना है, गेट नंबर 60 से है, यहाँ जो गेट नंबर दिया है वो 60 दिया है। ये सारा शॉपिंग का सेक्शन गाइस, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। सारी टैक्सी यहाँ खड़ी दिखेगी गाइस। अगर मैं इनकी बात करूँ तो टैक्सियों को जो जहाज़ होता है यहाँ पे, इनकी लैंग्वेज में टैक्सी बोला जाता है। ये पूरा एयरपोर्ट है, रनवे। और ये ऊपर तो गाइस ये है ऊपर का फूड कोर्ट, जहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पे डोमिनोज मिल जाएगा आपको, डोमिनोज सॉरी कमिंग सून है, ओपनिंग सून है, आपको मैकडोनल्ड मिल जाएगा, सबवे मिल जाएगा, ये सारी चीज़ मिल जाएगा। आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको।
और बता दूं गाइस, जो मेरे को गेट नंबर 60 मिला है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, और ऐसी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपको यू नो एस्केलेटर मिलेगा। आपने नॉर्मली सीढ़ियों से एस्केलेट किया होगा ऊपर नीचे, बट यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको ऐसे या IGI एयरपोर्ट पे आपको ऐसा मिलेगा। IGI एयरपोर्ट पे गाइस क्यों मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसके जो गेट्स है 62 गेट्स है, और मेरा जो नंबर है 60 गेट है, तो इससे जाना हर कोई इसी से जाता है। और ये है मेरा बोर्डिंग पास, और लॉन्च पे मैं सोया था, क्योंकि लॉन्च में गए इसीलिए क्योंकि फ़्लाइट लेट थी मेरी। तो ये आ गया है गेट नंबर 60, वापस चलता हूँ, क्योंकि गाइस मेरा एयर एशिया के साथ बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। फर्स्ट टाइम मैंने फ़्लाई किया एयर एशिया के साथ, और एयर एशिया सबसे वर्स्ट फ्लाइट लगी अभी तक मेरे को। उन्होंने 60 नंबर पहले गेट बताया मुझे, और फिर 39B कर दिया। रात के 3:30 बजे मैसेज आता है कि आपका गेट नंबर 39B है, पहले 60 था। फिर इतनी दूर से वापस चल के आना पड़ा मेरे को, क्योंकि वापस एस्केलेटर है नहीं। और इन्होंने मॉर्निंग में जो फ़्लाइट थी मेरी 5:30 बजे की, वो टेक ऑफ कर दी 4:20 पे ही। कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास, बताया था मैंने आपको। तो मैं चलता हूँ अभी 39B के साथ। गए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एयर एशिया के साथ आप अगर फ्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए गए। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत वर्स्ट रहा है अभी तक। बाकी मैं विस्तारा, एयर इंडिया और काफ़ी सारी फ़्लाइट में सफ़र कर चुका हूँ, बट ये सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। और अब मैं चलता हूँ 39B की तरफ। 39B थोड़ा सा और आगे होगा, जरा 39B यहाँ जाके बैठूँगा। काफ़ी देर से नींद आ रही है मुझे, रेस्ट करके आगे चलूँगा। तो गाइज ये है फ़्लाइट के अंदर का, जो मेरी एयर एशिया की फ़्लाइट है उसके अंदर का व्यू। और अब मैं बैठूँगा सोऊंगा गाइज। मेरी जो सीट नंबर है 27F है, विंडो सीट है। और मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, और सारी जो भी जानकारी होगी वो देता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।